जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, उसी का सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, तो इसको पूरा डिटेल में देखना है। और उससे पहले, ये जानने से पहले, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक पावरफुल थॉट्स है जिसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा रिकॉल करते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें बना पाए। देखिए, तो ये थॉट्स यहाँ पर क्या है कि जिस काम में अपना दिल लगे उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जिस काम में अपना दिल लगे उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ यदि करें तो उस काम में जरूर हमें एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। और दूसरा थॉट्स यहाँ पर ये है, अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को दांव पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को बनाने के लिए खुद को दांव पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जिस काम में आप आगे बढ़ रहे हो, जिस काम को आप करने वाले हो, या फिर जिस मंजिल के लिए आप निकले हो, वहाँ पर जाने के लिए आपको अपने आप को, मतलब खुद को उस रास्ते पर खपाना पड़ेगा, मतलब पूरी तरीके से लगाना पड़ेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वजनित त्वरण जी के मान में परिवर्तन। गुरुत्वजनित त्वरण जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा, इससे जुड़े हुए प्रश्न यदि आप देखना चाहें तो जितनी भी एग्जाम्स होती है उनके पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिल ही जाएंगे इस टाइप के प्रश्न जो यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। इसलिए एक बात हमेशा यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी फैक्ट आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। तो आइए यहाँ पर देखें और सबसे फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर पढ़ लें, इसमें गुरुत्वजनित त्वरण जी के मान में परिवर्तन। तो परिवर्तन किस तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है, पहले इसको देख लें और यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है 45 डिग्री अक्षांश व समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान। ठीक है, कोई भी मान से एक ग्लोब है, ग्लोब आपने देखा है, पृथ्वी का मानचित्र आपने देखा है, तो उस पर अलग अलग अक्षांश हैं। ठीक है, यहां पर ये जो पृथ्वी का मानचित्र बना हुआ है और यहां पर पृथ्वी कभी भी अपने अक्ष से थोड़ी सी झुकी हुई आपको दिखेगी। ठीक है, पृथ्वी का डायग्राम जब भी देखेंगे तो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई आपको दिखेगी। तो इस तरीके से यहां पर यह देखना है कि यह जो पृथ्वी का डायग्राम है, ठीक है, एक ग्लोब है मान लें इसको, और यहां पर इस तरीके की जो आड़ी रेखाएं हैं जो एक ग्लोब को या फिर इस पृथ्वी को अलग अलग भागों में डिवाइड करती है। जैसे यहां पर इनके पूरी पृथ्वी के सबसे बीच की जो लाइन है यहां पर 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और दूसरा विषुवत रेखा भी कहते हैं, राइट, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, इसी लाइन को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इधर इसी के कोष्टक में लिख दे रहे हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसके ऊपर की साइड जाएंगे तो 45 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर भी मिलेगा और 45 डिग्री अक्षांश नीचे की ओर भी मिलेगा, मतलब दक्षिण की ओर भी मिलेगा, राइट। तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी अक्षांश बढ़ते जाएंगे, नीचे जाएंगे तो भी अक्षांश क्या होगा, बढ़ते जाएंगे, अक्षांश की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे 45 डिग्री अक्षांश ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर बात किसकी हो रही है, 45 डिग्री अक्षांश पर, अब उत्तरी और दक्षिणी दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो 45 डिग्री अक्षांश व समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये वाला, जो थॉट सबसे पहले इसीलिए मैंने लिया है ताकि बार बार इसका रिकॉल हो सके या फिर इसको रिपीट कर सके और आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है उसमें आपका ये प्रश्न कम से कम गलत ना हो, राइट। तो देखें इसका जो मान है ये लगभग कई स्टूडेंट्स को पता भी होता है, यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर लाइट आ रही, थोड़ी सी दिखेगा नहीं, तो यहां पर लिख रहा हूं। तो अब 45 डिग्री अक्षांश व समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान कितना होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, एस एस माइनस या एस स्क्वायर,
ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, या करके लिख देता हूं मैं, या 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये जो मान है ये कहां कहां पर रहेगा और किन किन जगह के लिए फिक्स मान है, तो ये समुद्र के तल के ऊपर वहां पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होगा, तो g का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों के लिए गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहां पर सबसे पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जो गुरुत्वीय त्वरण g है इसके मान को और अच्छी तरीके समझने के लिए अलग अलग भागों में अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के इसको समझा गया पूरा, और वो अलग अलग जो भाग है वो आगे देखते हैं। तो उसमें यहाँ पर ये देखें, अन्य स्थानों पर, ठीक है, ये तो 45 डिग्री और समुद्र तल की बात हुई जहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड हुआ, लेकिन इसके अलावा अन्य स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा, तो आइए यहां पर डिटेल में देखते हैं। अन्य स्थानों पर जी का मान, तो जी का मान सबसे अधिक कहां पर होगा और सबसे कम कहां पर होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर कि सबसे अधिक कहां पर होगा। तो यहां पर डायरेक्ट मैं आपको यह बताऊं कि ये जो ग्लोब है, ये पृथ्वी है, इसके दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, इसके दो ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब यहां पर उत्तरी ध्रुव और यहां पर एस मतलब साउथ पोल में यहां पे दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है, यहां पर ध्रुवों पर जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है, इतना याद रखना है, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। तो यहां पर हम लिख लें जी का मान सबसे अधिक कहां पर है, तो ध्रुवों पर, ठीक है। अब ध्रुव कितने हैं, तो दो ध्रुव है, कौन कौन से ध्रुव है, दो, एक नॉर्थ पोल है मतलब उत्तरी ध्रुव है और दूसरा कौन सा है, साउथ पोल है मतलब दक्षिणी ध्रुव है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर दोनों ध्रुव है, मतलब सिंपल याद रखना है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे यहां पर जी का मान सबसे अधिक होता है, क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद फिर यहां पर बात करें जी का मान सबसे कम कहां पर होता है, जी का मान सबसे कम कहां पर होता है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि पृथ्वी की ये जो ग्लोब है इसमें सबसे लंबी लाइन कहां पर आपको दिख रही है, सबसे लंबी लाइन एकदम सेंटर में दिखेगी, ये वाली जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं, राइट, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री अक्षांश, यहां पर जी का मान सबसे कम होगा, ठीक है, कहां पर, यहां पर जी बराबर क्या होगा, बहुत कम मतलब न्यूनतम, ठीक है, सबसे कम। तो यहां पर ले कहां पर, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री अक्षांश। तो इस तरीके से यहां पर इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना है और नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक। तो यहां पर ये दो बातें कंप्लीट हुई, अभी तक हमने यहां पे कितना देखा ये देख लें, तो सबसे पहले हमने देखा कि 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर जी का मान कितना होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। उसके बाद में फिर हमने देखा ध्रुवों पर जी का मान कितना होगा, तो सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम जी का मान कहां पर होगा, तो ध्रुवों पर होगा, राइट। सबसे कम जी का मान कहां पर होगा, तो पृथ्वी में जो ग्लोब है इसमें 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा, राइट। अब इसके बाद बात यह आती है यहां पर कि यहां पर ध्रुवों पर सबसे अधिक मान इसका क्यों होगा और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम क्यों होगा, तो इसको देख ले थोड़ा सा। यहां पर कोई भी प्रैक्टिकली हम किसी फोर्स को लेकर बात करते हैं, मतलब व्यास ज्यादा है, राइट, व्यास कम है तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। अभी फॉर एग्जांपल यहां पर ये पेन है, ठीक है, मार्कर है। अब ये मार्कर को हम इस तरीके से मोड़ेंगे तो एकदम से नहीं मुड़ेगा, टूटेगा नहीं एकदम से, ठीक है ये, लेकिन उसकी बजाय यदि हम इसको ले लें और इसको एक तोड़ना चाहें तो ये जरा थोड़ा सा हल्का सा बल लगाने पर ये मुड़ जाता है, इस तरीके से मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है।
ये है, जबकि बल दोनों पे सेम है। उसका कारण क्या है कि इसकी लंबाई कम है, सिंपल बोलो तो इसका यहां पर व्यास है नॉर्मल। पृथ्वी की बात करें यहां पर, तो पृथ्वी का व्यास सबसे कम कहां पर होता है, ध्रुवों पर सबसे कम होता है, राइट। और सबसे अधिक व्यास कहां पर होता है, तो सबसे अधिक व्यास कहां पर होता है, बीच में ये 0 डिग्री अक्षांश पर, राइट। इसलिए सबसे बड़ी पृथ्वी की सबसे बड़ी जो व्यास होती है वो क्या होती है, यहां पर 0 डिग्री अक्षांश, राइट। तो इतना यहां पर क्लियर हुआ होगा। तो अब यहां पर लिख ले हम इसका कारण किसका, जी के मान में कमी होना या फिर अधिक होना, सबसे अधिक और सबसे कम क्यों है, तो यहां पर उसका आकार है। क्या है, आकार के कारण। आकार के कारण कैसे, तो आकार यहां पर बीच में पृथ्वी का आकार बड़ा है, चौड़ा है, जिसकी वजह से यहां का इसका जो व्यास है ज्यादा है। तो यहां पर व्यास लिखा यहां पर, ठीक है, तो व्यास ध्रुवों पर कितना होगा, कम होगा, ठीक है, ध्रुव पर कम, और 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक। तो इस तरीके से यहां पर यह हुआ, ठीक, अभी क्लियर हुआ पूरा। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा व्यास होगा, जिसके कारण वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है सबसे कम होगा। व्यास सबसे ज्यादा, जी का मान सबसे कम, और व्यास कम, जी का मान सबसे बड़ा, ठीक। इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं। तो यह हुआ यहां पर इसका कारण, क्यों बड़ा है और क्यों छोटा है, या क्यों ज्यादा है या फिर क्यों कम है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर, और इसके आकार के लिए आप एक बात और समझ सकते हैं यहां पर, कि इसका जो आकार है जी, ठीक है, आकार है, आकार की बात कर ले, यहां पर लिख दे रहा हूं, उधर जगह नहीं, आकार पृथ्वी के आकार बटे में आर ई का स्क्वायर होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हम देखें तो सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में, जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। तो एम ई यहां पर क्या है, और यहां पर जो आकार है, इस आकार के बारे में हम बात कर रहे थे, और इसमें आकार के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इस फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे तो उससे हमें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, इसके बारे में हम आसानी से किसी को बता पाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है, आसानी से हम पहचान पाएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कैसे कम होगा और कैसे ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर एम ई है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान, राइट, अर्थ का क्या है, द्रव्यमान है पृथ्वी का। और यहां पर जो आर है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, त्रिज्या, राइट, त्रिज्या। तो इस तरीके से यहां पर ये याद रखना है कि ये एक त्रिज्या है जो हमेशा कहां पर रहेगी, बटे में रहेगी, और द्रव्यमान का ये कहां पर होगा, ये गुरुत्वीय नियतांक जी के गुणा में होगा, ऊपर होगा, ठीक। अब यहां पर यदि द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। द्रव्यमान एम, यहां पर एम है, एम ई, यदि ये बढ़ेगा तो जी का मान ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट, क्योंकि ये एकदम समानुपाती है, समानुपाती मतलब आमने सामने है, ठीक है। और उसी को इसको छोड़कर, इसके अलावा हम बात करें किसके, ये त्रिज्या की, तो त्रिज्या का मान यदि बढ़ेगा, आर ई मतलब त्रिज्या का मान यदि जितना ज्यादा बढ़ेगा त्रिज्या का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने यहां पर समझा है कि ध्रुवों पर त्रिज्या बहुत कम है, एकदम शून्य के बराबर हो जाती है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है, राइट। और जहां पर त्रिज्या सबसे ज्यादा है, मतलब भूमध्य रेखा पर त्रिज्या सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पर जी का मान सबसे कम होता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर यह क्लियर हुआ कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है ताकि आसानी से किसी भी प्रश्न को हम सही कर पाए और किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, राइट। अब लास्ट में आते हैं, आखिरी जो पॉइंट यहां पर लिखा है इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर यह पृथ्वी है, ठीक है, पॉइंट क्या लिखा है यहां पर, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, मतलब एक यहां पर यह पृथ्वी है जो गोलाकार है, हल्की अंडाकार है, और इसके बीच में एक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं अक्ष। यहां पर यह क्या है, तो यह है अक्ष, ठीक है, अक्ष। तो पृथ्वी इसी के चारों ओर घूमती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहां पर यह ले लो
कि ये क्या है, अभी एक खिलौना है, ठीक है, क्या है, केवल खिलौना है, लेकिन यहां पर इसको यहां पे पकड़ लें और ये पृथ्वी है पूरी, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसका अक्ष कौन सा है, ये वाला है, हालांकि ये साइड में है, पृथ्वी का एकदम सेंटर में है, लेकिन यहां पर मान लेते हैं कि ये अक्ष है इसका। अब यहां पर ये पृथ्वी इस अक्ष के चारों ओर घूमती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये घूमती है। तो अब इसके घूमने से जब तेज घूमेगी तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान या गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा और एकदम रुक जाएगी यहां पर, इस तरीके से घूमती घूमती इसको रोक दिया जाए तो अब यहां पर जी का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है, दोनों कंडीशन है, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर पृथ्वी का अपने अक्ष के परिधि घूमना, इसमें घूर्णन बंद हो जाए। सबसे पहले ये पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, यदि इसका घूमना यहां पर बंद हो जाए, यहां पर रोक दी गई इसको, ठीक, जब पृथ्वी का घूमना बंद हो जाएगा अपने अक्ष के परितः, उस टाइम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, घूर्णन गति कम होगी तो जी का मान बढ़ेगा, बंद हो गया मतलब जी का मान बढ़ा। तो इस तरीके से यहां पर यदि घूमना बंद हो जाए, ठीक है, घूमना बंद हो जाए तो क्या होगा, तो यहां पर इसका मान बढ़ जाएगा, बढ़ेगा जी का मान बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर इसको समझ सकते हैं, ये क्लियर हुआ। अब ये क्लियर होने के बाद में देखो, अब इसकी घूर्णन गति कम हुई या फिर इसको रोक दिया तो मान बढ़ा, ठीक है। अब इसके बजाय यदि इस स्पीड से ये घूम रही है, ठीक है, इस स्पीड से, जिस स्पीड से पृथ्वी घूमती है उस स्पीड से घूम रही है कंटिन्यू, लेकिन इसकी इस गति को यदि हम बहुत तेज कर दें, इसकी इस गति को जितनी गति अभी है इसकी 17 गुनी गति तेज कर दें, मतलब बहुत तेज गति से इस तरीके से घूमने लगे, तो उस टाइम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, तो उस टाइम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एकदम कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं हम घट जाएगा, ठीक है, जितना तेज घूमेगी इस तरीके से उतना कम होगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो यहाँ पर जी का मान कब कम होगा और कब अधिक होगा, दो कंडीशन है, ठीक है, जब पृथ्वी घूमेगी, जब घूमना कम कर देगी, ठीक है, तो मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, घूमना कम हुआ, घूर्णन कम हुआ तो मान बढ़ जाएगा, और अधिक हुआ, ठीक है, घूर्णन अधिक हुआ तो मान बहुत कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन है दोनों, ठीक है, घूर्णन बंद मतलब मान जी का मान बढ़ा, और 17 गुना तेज गति से यदि घूमेगी पृथ्वी तो वहां पर घूर्णन इसका जो जी का मान है वो जी का मान क्या होगा, तो घट जाएगा, घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसको समझ लेना है, क्लियर हुआ। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि यदि पृथ्वी अपने जिस गति से घूम रही है उसकी 17 गुनी तेज गति से यदि घूमना चालू करें तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखी कोई वस्तु का भार कितना होगा, तो उस टाइम वस्तु का भार होगा वो कितना होगा, एकदम शून्य होगा, ठीक है, वस्तु का भार उस टाइम यहां पर कितना होगा, वेट, तो वेट यहां पर होगा शून्य किसी भी वस्तु का, राइट, कब, जब पृथ्वी 17 गुना तेज गति से घूमे तब, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये कंप्लीट हुआ कि पृथ्वी घूमेगी तो किस तरीके से क्या होगा। अब इसके बाद में फिर बात करते हैं अगले पॉइंट को लेके, और अब यदि पृथ्वी के ऊपर की साइड कोई वस्तु जाती है या फिर पृथ्वी के ऊपर की साइड जाते हैं तो उस टाइम जी का मान घटेगा या फिर बढ़ेगा, पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो जी का मान घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो आपको यहां पर बता दे रहा हूं, केवल इतनी ही जगह में यहां पर क्लियर कर देते हैं, ऊपर जाने पर या फिर नीचे आने पर, ऊपर या नीचे और नीचे आने पर ये सतह से बात हो रही है, कहां पर, सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा और नीचे आने पर क्या होगा। तो देखो, जब भी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, घटेगा, राइट, क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है, इस तरीके से हुआ। और उसके बाद में
पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर से नीचे आने पर जी का मान, कई लोग ये बता रहे होंगे कि यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जी का मान नीचे जाने पर भी क्या होगा? घटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन है। तो पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान, गुरुत्वीतोरण जी का मान घटेगा, और नीचे जाएंगे तो भी क्या होगा? घटेगा। तो अब कौन सी कंडीशन है जब बढ़ेगा? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कब कौन सी कंडीशन है बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, उसके बाद में फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर देखें लिफ्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब लिफ्ट से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें लिफ्ट से जुड़े हुए प्रश्न किस तरीके से आते हैं ये देखें। तो कभी आपको ये बोल देंगे कि यदि आप लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे हैं तो उस टाइम आपका भार बढ़ेगा या फिर घटेगा, या बड़ा हुआ प्रतीत होगा या फिर घटता हुआ प्रतीत होगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पर यदि लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पे ऊपर जाएंगे, तो आपका जो भार है ये भार बड़ा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? बड़ा हुआ प्रतीत होगा, राइट। और जब यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि यदि लिफ्ट में बैठकर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो उस टाइम आपका जो भार है ये भार घटा हुआ प्रतीत होगा, मतलब घटेगा। ठीक है, घटेगा। तो इस तरीके से ये कब होगा और क्यों होगा ये थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, ये होगा। अब ये दोनों कंडीशन को समझ लें अच्छे तरीके से। जब हम लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाते हैं तो उस टाइम भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है या फिर भार का महसूस होता है कि हाँ वजन है। ठीक है, अब क्यों होता है? उसका कारण ये है कि जो गति होती है वो गति लिफ्ट की ऊपर की ओर होती है, लेकिन हमारा भार हमेशा ये नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, लिफ्ट ऊपर जाएगी, हमारा भार नीचे की ओर काम करेगा। मतलब ये है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग है। भार नीचे की ओर लग रहा है, लिफ्ट की गति ऊपर की ओर, इसलिए हमें भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद में इसका जस्ट उल्टे की बात करें हम, कि जब लिफ्ट नीचे की साइड आती है, जब लिफ्ट नीचे की साइड आती है तो उस टाइम भार क्या होगा? घटेगा। अब उस टाइम भार क्यों घटेगा? उसका घटने का कारण यह है कि लिफ्ट की गति अब किधर की साइड है? नीचे की ओर है। हमारा भार भी किस साइड लग रहा है? तो नीचे की ओर ही लगता है। मतलब भार की और लिफ्ट की गति का, दोनों का जो दिशा है वो एक ही है, नीचे की साइड ही है। तो त्वरण भी किधर होगा? नीचे की साइड ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब दोनों की जो दिशा है वो सेम है, या फिर लिफ्ट नीचे की ओर आती है, तो हमारा जो भार है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। राइट, सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। यदि आप झूले में बैठे हैं तो झूले में जब नीचे से ऊपर की साइड जाते हैं इस तरीके से, तो हमारा भार थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जैसे इस तरीके से आते हैं अचानक, तो ऐसा लगता है कि अब अपना भार खत्म हो गया, शून्य हो गया, अब नीचे गए। ठीक है, तो इस तरीके से भार एकदम शून्य हो जाता है, और उसमें सबसे अधिक डर लगती है। जब भार बढ़ता है, मतलब झूला ऊपर जाता है, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे इस तरीके से आएगा तो आपको ज्यादा डर लगेगा। ठीक, इसका कारण यह है कि भार का कम हो जाना, और इधर डर कम लगना मतलब भार का अधिक होना। राइट, तो ये है, दोनों कंसेप्ट यहां पर समझ लेना है। और उसके बाद दूसरी बात, हम यह बात करें कि यदि लिफ्ट समान वेग से, यहां पर देखें जो लिफ्ट है ये समान वेग से ऊपर की साइड जाती है या फिर नीचे की साइड आती है, वेग समान है, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम भार में कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा, मतलब आपका जो भार है वही आपको लगेगा। ठीक, कब? जब लिफ्ट का जो वेग है वो समान रूप से ऊपर जाए या फिर नीचे आए, तब भार सामान्य रहेगा, जितना है उतना लगेगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पर इसको ध्यान रखना है। और दूसरी एक बहुत खतरनाक कंडीशन है, वो ये है कि यदि आप कहीं झूले में झूल रहे हैं और झूले में इस तरीके से ऊपर तो गए, लेकिन वापस आने से पहले, इस तरीके से यहां पर आने के बाद झूले, आप जहां पर बैठे हैं वो झूला बाय चांस मान लो टूट गया, वहां से टूट के इस तरीके से आगे निकल गया, तो उस टाइम जो भार होगा वो एकदम शून्य हो जाएगा, वस्तु का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहां पर ये ध्यान रखना है कि कभी भी लिफ्ट जो ऊपर से नीचे की साइड आती है और उसकी डोरी बीच में आके टूट जाती है, तो अचानक जमीन पे नीचे की साइड आएगी। ठीक है, लिफ्ट नीचे की साइड आएगी तो उस टाइम वस्तु का भार, मतलब अपना खुद का भार जो लिफ्ट में बैठा है, उसका शून्य हो जाएगा। राइट, तो ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन यहां पे क्या है? डोरी टूट जाए, अचानक नीचे आए। ठीक है, डोरी
टूट जाए, डोरी टूट जाए, टूट जाए। ठीक है, तो भार क्या होगा, तो भार बराबर कितना होगा, शून्य। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये होगा। और दूसरी एक और कंडीशन यहां पर ध्यान रखना है, यदि कोई भी वस्तु या कोई भी त्वरण, यदि त्वरण का मान यहां पर a का मान और एक g का मान ये दोनों होते हैं, यहां पर यदि g का मान बहुत अधिक हो जाता है तो लिफ्ट में जो भी वस्तु है या कोई व्यक्ति खड़ा है वो ऊपर छत पे जाके टकराता है। जब लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आती है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बहुत अधिक होता है, तब वो व्यक्ति ऊपर लिफ्ट की छत पे जाके टकरा जाता है। तो इस तरीके से यहां पर ये कुछ कंडीशन है जिसको हमें याद रखना है, लिफ्ट के कंडीशन, और इससे जुड़े हुए प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं और आए भी है और आने की संभावना भी रहेगी। ठीक, तो दोस्तों यहां पर ये जो हमने पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने भी मैंने यहां पर बताए हैं बहुत बारीकी से हमने समझे हैं, इसको और एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लें, समझ लें और इसको नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में कभी भी जरूरत पड़े आपको इसको पढ़ने की, बस एक बार रिवीजन मार ले, कुछ ही टाइम में इसको रिवीजन मार लोगे, अलग से कोई कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ तक ही, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करें, और यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। उसके बाद अगली क्लास में, और अगली जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी उपग्रह के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर, सैटेलाइट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से सैटेलाइट पर कोई बल काम करता है, और सैटेलाइट को कहां पर किस कक्ष में स्थापित किया जाता है, इस पूरे बारे में, पूरे के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।